कोविड-19 से निपटने के लिए अब स्वयंसेवी तथा समाजसेवी संस्थाओं के साथ साथ कई कंपनियां भी सरकार और प्रशासन को मदद करने के लिए आगे आने लगी है। इसी कड़ी में धर्मशाला में सांसद किशन कपूर के आग्रह पर हवाई लाइफ न्यूट्रिशन कंपनी की ओर से निदेशक मैन्युफैक्चरिंग अंकुर देवेश्वर ने जिला कांगड़ा व चंबा को कोविड-19 से निपटने के लिए 89 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी रोहित राठौर के माध्यम से भेंट किए। सांसद किशन कपूर ने कोविड महामारी से निपटने के लिए हवाई लाइफ न्यूट्रिशन कंपनी के प्रबंध निदेशक तथा अन्य पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कोरोना की इस महामारी के दौर में सरकार, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है और इसमें कंपनी का सहयोग मिलने से कोविड संक्रमितों के लिए बेहतर सुविधा देने में भी मदद मिलेगी। आज हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन कंपनी जो है वो 89 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दे रही है हिमाचल के लिए, जिसमें कांगड़ा और चंबा के लिए ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए गए हैं। मैं इस कंपनी के जो MD हैं और बाकी अन्य इनके पदाधिकारी हैं, उन सबका धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि इस महामारी के दौर में एक बहुत बड़ी राहत समाज को ये देने जा रहे हैं। मैं यहाँ कांगड़ा चंबा वासियों की ओर से इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। किशन कपूर ने कहा कि सरकार पर आरोप लगाना विपक्ष का धर्म है, विपक्ष इस तरह की अनाप शनाप बयानबाजी करता रहा है। सांसद ने कहा कि लगता है कि कोरोना महामारी के दौर में विपक्ष गुफा में छिपा हुआ था और वहां से प्रेस रिलीज जारी करता था और जनता में भ्रम फैलाने का काम करता रहा है। कोरोना काल में देश भर में कांग्रेस कहीं भी जनता के साथ खड़ी नजर नहीं आई है। बहुत बड़ी एक त्रासदी जो है यहाँ जिला कांगड़ा में घटी है, वो बैली में तो लगभग 15 लोग जो थे वहाँ थे घरों में, उनमें 5 लोग जो थे वो सुरक्षित निकाल लिए गए थे और 10 लोग जो थे वो लापता थे। उसमें 9 बॉडीज रिकवर की गई हैं, 1 अभी बची है। दूसरा, धर्मशाला में भी उस बारिश से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, चैतड़ू में और भागसुनाग में। सारा प्रशासन ने भी कितनी क्षति हुई है वो एस्टिमेट बना लिया है। और जहाँ तक राहत की बात है, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है, केंद्र सरकार इसमें दिल खोल के मदद करेगी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी उस दिन स्वयं वहाँ वो वैली आए थे। उन्होंने मौके पे आकर वहाँ के जो परिवार थे उनके रिश्तेदारों को सबको आकर उनका ढांढस भी बढ़ाया और उन्होंने ये कहा कि सरकार पूरी मदद जो है वो उन परिवारों की करेगी। विपक्ष का वो धर्म है और विपक्ष इस किस्म की अनाप शनाप बयानबाजियां करता रहा है। विपक्ष ये बताए कि उन्होंने कोरोना महामारी में, मुझे लगता है वो गुफा में छिपे हुए थे और वहाँ से प्रेस नोट जारी करते थे और लोगों में भ्रम फैलाने का काम करते थे। फील्ड में विपक्ष ने, पूरी कांग्रेस ने, पूरे देश में कहीं भी कांग्रेस लोगों के साथ खड़ी नहीं दिखाई दी। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री ही नहीं, परंतु भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता लोगों की सेवा में तत्पर रहा। और हमारी पार्टी सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल नहीं है, भारतीय जनता पार्टी एक सामाजिक दल है और वो चुनावों में नहीं, पूरे 5 वर्ष लोगों की सेवा में तैयार रहते हैं।